जब इमाम हुसैन की शहादत की खबर मदीने तक पहुंची, तो बशीर ने मस्जिद नबवी में ऐलान किया कि आए मदीने वालों, अब ये मदीना रहने के काबिल न रहा क्योंकि हुसैन को कर्बला के मैदान में कत्ल कर दिया गया। तारीख ने लिखा, मस्जिद नबवी के साथ इमाम अली अलैहिस्सलाम का घर मौजूद था और उस वक्त उस घर में बीबी उमुल बनीन रहती थी। जैसे ही बीबी के कानों तक की आवाज पहुंची, बीबी ने अपने पोते फजल को बुलाया और सहारे से मस्जिद नबवी की तरफ रवाना हुई क्योंकि आपकी आंखों में मोतिया उतरा हुआ था, आप देख नहीं पाती थी। बस असा और अपने पोते के सहारे से जब मस्जिद नबवी के करीब पहुंची और बशीर को आवाज दी, अः ऐलान करने वाले, कौन सा हुसैन मारा गया? बशीर रो के कहता है, ऐ बीबी, रसूल अल्लाह का नवासा बीबी फातिमा जहरा का बेटा हुसैन इब्ने अली कत्ल कर दिया गया। बीबी ने रोब से पूछा, ऐ बशीर, उस वक्त अब्बास कहाँ था? बशीर ने रो के कहा, ऐ बीबी, मेरे मौला हुसैन से पहले अब्बास को शहीद कर दिया गया। बीबी ने कहा, ऐ शख्स, कि तू अब्बास को जानता नहीं था? मेरे अब्बास जैसा बहादुर इस अरब की सरजमीन पे कोई न था, वो कैसे मारा गया? बशीर करीब आता है और पूछने लगता है, ऐ बीबी, आप कौन है? बीबी उम्मुल बनीन फरमाती है, मैं अब्बास की माँ हूँ, मुझे बताओ कि अब्बास के होते हुए हुसैन कैसे शहीद हुआ? बशीर रो के दस्ते अदब को जोड़ के कहता है, ऐ बीबी, आखिरी दम तक आपका बेटा अब्बास इमाम हुसैन की खिदमत करता रहा और कहता रहा कि ऐ मेरे आका हुसैन, मुझे इजाजत दे ताकि मैं इनको बताऊं कि मैं अली का बेटा हूँ। लेकिन इमाम हुसैन बार बार फरमाते थे कि ये सब्र का इम्तिहान है। लेकिन जब 10 मुहर्रम के दिन 3 दिन गुजर जाने के बाद बच्चे प्यास से तड़पने लगे, तब इमाम हुसैन ने अब्बास को इजाजत दी कि जाओ नहर से पानी लेके आओ, और जब पानी लेने के लिए अब्बास गए तो वहाँ शहीद हो गए। बीबी ने फरमाया, अब्बास शहीद कैसे हुए? बशीर कहता है, ऐ बीबी, अब्बास के सर पे गुर्ज लगा। बीबी उम्मुल बनीन जलाल में कहती हैं, ऐ बशीर, क्या तुझे मालूम नहीं कि अरब की सरजमीन पे मेरे अब्बास से बुलंद किसी का कद न था? कौन था जिसका कद अब्बास से भी बड़ा था? बशीर रोने लगा और कहने लगा, ऐ बीबी, अब्बास से बड़ा किसी का कद न था, लेकिन अब्बास पे जब जालिमों ने तीरों की बारिश की तो एक तीर आपके बेटे अब्बास की आंख में लगा। जनाब अब्बास अपनी आंख का तीर निकालने के लिए अपने घुटनों का सहारा लेते हैं और तब कोई जालिम जनाब अब्बास के सर पे वार करता है। बीबी कहती है, ऐ बशीर, मैं नहीं मानती, अगर आंख में तीर लगा तो मेरे अब्बास ने अपने हाथों से तीर क्यों नहीं निकाला? बशीर जारो कतार रो के जमीन पे बैठ गया और सर को पीट के कहने लगा, ऐ मेरे आका अब्बास की माँ, क्योंकि अब्बास के बाजू जालिमों ने पहले ही कलम कर लिए थे, मेरा मौला अब्बास जैसे ही तीर निकालने के लिए झुकता है तो सर पे वार होता है और आप घोड़े की रीत जमीन पे आते हैं। बीबी उम्मुल बनीन जमीन पे बैठती है, अपने दोनों हाथ सर पे रखती है और जारो कतार रोती है और चीख के फरमाती है, ऐ मेरी आका दादी ज़ैनब, मुझे माफ करना। इतने में बशीर पूछते हैं, ऐ बीबी, आपका बेटा अब्बास शहीद हुआ और आप बीबी ज़ैनब का नाम लेकर रो रही हैं? बीबी उम्मुल बनीन अपने सर को पीटती हैं और फरमाती हैं, ऐ बशीर, हुसैन के साथ हुसैन की बहनें थी, हुसैन की बेटियां थी और उनके पर्दे का मुहाफिज मेरा बेटा अब्बास था। अल्लाह जाने मेरी आका दादियों के साथ क्या हुआ होगा। बस बीबी अपने पोते को कहती हैं, ऐ फजल, मुझे जन्नतुल बकी लेके चलो। जन्नतुल बकी तक आती हैं, बीबी फातिमा जहरा की कब्र पे खुद को गिराती हैं, खाक सर पे डालती हैं और फरमाती हैं, ऐ रसूल की बेटी, मुझे माफ करना, मेरा अब्बास आखिरी दम तक आले रसूल का गुलाम बन के रहा। लेकिन अफसोस, रसूल की बेटियों का पर्दा बच न सका। लेकिन अफसोस, रसूल की बेटियों का पर्दा बच न सका।